आज हम जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ये ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्स का हमारे थर्ड सॉफ्टवेयर है। पहले हमने वर्ड सीखा, देन एक्सेल सीखा और देन पावर पॉइंट करने का नाम किया। अब पावर पॉइंट जो है किस तरह का सॉफ्टवेयर है? देखिए, पावर पॉइंट जिसे पूरा ऑफिस पैकेज जो डील करता है ऐसी एक्टिविटीज को जो ऑफिस से रिलेटेड हो जाती है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन हो गई, कटआउट पर काम करना हो गया, प्रेजेंटेशन पर काम करना हो गया, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में देखिए ये बात आती है कि जिसमें आपने क्या करना है, जैसे आप वर्ड पे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर चलिए, वर्ड पर आपने डॉक्यूमेंट बनाए, प्रेजेंटेशन के डॉक्यूमेंट वगैरह को क्रिएट किया, आप वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, आप वो लेटर हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकते हैं, थीसिस हो सकती है, नोट हो सकते हैं, व्हाटएवर तरह का कोई भी काम हो सकता है, और ये सारी चीजें जो हैं हम इसके अंदर जो है कर रहे होते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने अकाउंट से रिलेटेड या जो भी ऐसे टास्क थे जिसमें रोज एंड कॉलम्स और इसका जो मामला था उसको हमने डिस्कस किया, कुछ अकाउंट से रिलेटेड कैलकुलेशंस वगैरह को हमने उसके ऊपर परफॉर्म किया, तो वो सारा काम भी हमने इसके ऊपर इजिली कर लिया। व्हाट अबाउट प्रेजेंटेशन? नाम ही देखिए इससे जाहिर हो रहा है कि प्रेजेंट, किसी चीज को पेश करना, यानी कि अब आप इस तरह की ऑफिशियल जॉब परफॉर्म करेंगे जिसमें लोगों के आगे किसी चीज को प्रेजेंट करेंगे। लोगों के आगे मतलब क्या, लेट सपोज अगर आप एक बिजनेस ऑनर हैं और आपका जो काम है वो रियल इस्टेट का है, तो रियल इस्टेट का जो एक ऑनर होगा उसको पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से आएगा? नंबर एक, वो क्या करेगा, पावर पॉइंट पे अपने पूरे बिजनेस को प्रेजेंट करेगा। जैसे क्लाइंट आएगा उसको स्लाइड्स के जरिए, एनिमेशंस के जरिए, मुख्तलिफ पिक्चर्स के जरिए अपने प्रोजेक्ट्स को और अपनी कंपनी के प्रोफाइल को दिखाएगा, जिससे क्लाइंट को एक रियल टाइम इंटरेक्टिव इंटरेक्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको भी पावर पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, ये वर्बली बता रहा हूँ, रादर इसके कि मैं एक प्रेजेंटेशन बना के आपको उसको बताऊँ। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर आप चलता हूँ और यहाँ पर से एक पावर पॉइंट के फोल्डर में जाता हूँ और एक मेरे पास पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनी है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पावर पॉइंट में गए और यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करा मैंने यहाँ से और ये आपके सामने खुल गया। अब यही जो बातें हम इसमें कर रहे थे, यही बातों को हम इसमें देखेंगे कि जो मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिजाइन किया है किस तरह से नजर आएगा। तो न्यू में गया, नॉर्मल किया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 16 को अभी हम कन्वर्ट कर देते हैं, हमने वर्जन को अपडेट कर दिया है 19 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके प्रोफेशनली स्लाइड शो पे हम क्लिक कर देंगे। सो नाउ अब जो क्लिक करें, जैसे आपको पता है जो बोल रहा हूं टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट की किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट चीजें इसके अंदर आपको मैं बताता जा रहा हूँ और ये इसके ऊपर चलता जा रहा है, तो ये डिफरेंट चीजें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो पावर पॉइंट है बेसिकली इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशंस डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को, अपनी किसी प्रोडक्ट को इजीली लोगों के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं इन डिजिटल फॉर्म के अंदर। यानी कि जैसे इस तरह से एक डिजिटल फॉर्म के अंदर हम इस चीज को ऐसे लोगों के आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जिससे उनका इंटरेक्शन हमारे साथ रियल टाइम इंटरेक्शन हो जाएगा, जिसमें कुछ बता सकते हैं, जिससे लोगों का जो इंटरेक्शन है काफी बेहतर इसके ऊपर बनता है। देखो, कोई बिजनेस ओनर है तो आप अपने बिजनेस की एक प्रेजेंटेशन बना के रखेंगे जिसमें आप अपने बिजनेस की तमाम इंट्रोडक्शन, क्या आप करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप उस पर पुट करके रखेंगे। सेकेंडरी, अगर आप कोई मिसाल के तौर पर एक जॉबलेस पर्सन है और आप कहीं पर जाते हैं और इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो वहाँ पर भी आप अपना पावर पॉइंट पे पोर्टफोलियो बना के ले जा सकते हैं कि आप क्या हैं, आपने क्या क्या काम किया, कैसे काम किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, वो इस प्रेजेंटेशन की सूरत में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसके हवाले से भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसमें आप प्रोडक्ट की मुख्तलिफ फोटोज लगा सकते हैं, यूजेज लगा सकते हैं, एप्लीकेशन बता सकते हैं, एडवांटेजेस लगा सकते हैं, सेलिंग प्राइस लगा सकते हैं, ऑफर्स बता सकते हैं। अच्छा, आप कोई सर्विस सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, या आप जो हैं कोई और भी सर्विस, जैसे ब्यूटिशियन हैं, आप टेलर मास्टर हैं, तो इस तरह की सर्विसेज की भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं ताकि लोगों को आप आगाही दे सकें और उन चीज़ों को वर्बली बताने के बजाय थोड़ा विजुलाइज भी कर सकें, उनको उन पे चीज़ों को बता भी सकें। अब प्रेजेंटेशन क्या होती है? अगर एक प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है उसको हम कहते हैं PPT और उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं एक कार्ड जिसको हम कहते हैं स्लाइड, ये पूरा कार्ड एक स्लाइड होती है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, शेप्स, पिक्चर्स, ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ों को मिला के एक स्लाइड क्रिएट करते हैं। बहुत सारी स्लाइड मिलके एक प्रेजेंटेशन बनाती हैं
और एक प्रेजेंटेशन किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, किसी प्रॉब्लम को, किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, या किसी सर्विस की आगाही को, किसी कैंपेन को लोगों को बताने के लिए, आगाही देने के लिए जरूरी होती है। जब आप कॉलेज एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वहां पे बात बात पे आपको कहा जाएगा कि प्रेजेंटेशन दें, प्रेजेंटेशन दें। वाई? कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो काफी सारी ऑडियंस के सामने खड़े होकर उसी प्रॉब्लम, उसी टॉपिक, उसी सब्जेक्ट, उसी प्रोडक्ट, उसी सर्विस को लोगों को आप बता रहे होते हैं बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे स्लाइड्स और उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट्स और मटेरियल जमा करके लोगों को एक बड़े इस स्क्रीन के ऊपर चला के दिखा रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड कि आप उसको प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं किसी भी एक्स वाई जेड टॉपिक या प्रोडक्ट के ऊपर। किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में जब भी कोई नया एम्प्लॉय हमें ज्वाइन करता है तो हम उसको अपने ऑफिस की एक प्रेजेंटेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम समझाते हैं। कोई पार्टनर हमसे काम करना चाहता है तो फिर हम उसको अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं। तो प्रेजेंट मतलब इज समथिंग हाउ कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वेदर आप खुद को प्रेजेंट करें, अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करें, अपनी क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट करें, अपने बिजनेस को प्रेजेंट करें, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें, आप अपने इन्वायरमेंट को प्रेजेंट करें, किसी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करें, सोल्यूशन को उसका सोल्यूशन प्रपोज करें, उसकी प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो हर एक टॉपिक पे, इसके अलावा इवेंट्स के ऊपर भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, 14 अगस्त पे बना सकते हैं, अभी गुजरा योम तकबीर के ऊपर बना सकते हैं, क्रिसमस डे पे बना सकते हैं, होली पर, दिवाली पर, इससे मुख्तलिफ दीवारों पे त्यौहारों पर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इन्हीं प्रेजेंटेशन को आप लेक्चर डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ये सारी बातें मैं आपको ऑनलाइन कर रहा था तो आपको कैसे पता चलता? तो मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता और जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करता जा रहा हूँ वो स्लाइड आपके सामने रखता जाता तो हमारा इंटरेक्शन क्रिएट रहे। लेकिन अगर इसी टॉपिक को हम ऑनलाइन की जगह फिजिकली भी लें, फिजिकली अगर मुझे 100 लोगों को एक साथ एक बात के ऊपर आगाही देनी है तो ऐसी एक प्रेजेंटेशन बनाता, बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर तो चलाता, लोगों को ऑडियंस को वो प्रेजेंट मैं कर देता उनके आगे। तो एक बड़ा मसला भी इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल होता है अकाउंट्स और रोज एंड कॉलम वाइज वर्क के लिए, जबकि पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है किसी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सही है, समझ में आ गई बात ये। अब प्रेजेंटेशन बनाना में दो बातें हैं, एक है सॉफ्टवेयर सीखना, ये हम आपको सिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसे काम करता है, प्रेजेंटेशन बनाना वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। बात समझ रहे? सिलाई करने के लिए जब हम सीखते हैं तो सिलाई के लिए मशीन चलाना एक अलग काम है, लेकिन सिलाई करना, सिलाई में परफेक्शन हासिल करना और एक बेहतर टेलर मास्टर बनना, इसको आप ग्रेजुअली सीखते हैं कि जितना आप उस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, आप उतने उसमें शार्प और बेहतरीन होते चले जाएंगे। अच्छा, आप उसको कैसे सीख सकते हैं? अच्छी प्रेजेंटेशन, आप जो बनी बनाई प्रेजेंटेशन हैं, slideshare.com है, माइक्रोसॉफ्ट की स्लाइड्स हैं, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस लोगों पर प्रेजेंटेशन बना के रखी, उन्हीं आइडियाज को लेके आप खुद बनाना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके काम में भी परफेक्शन आ जाएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। तो देखिए, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके सामने खोल रखी है, पहले हम सीखते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले देखें, ये जो ऊपर आ रहा है ये इसका टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ऑफिस रिबन है, इस ऑफिस रिबन के नीचे आएंगे तो ये इसका थंबनेल व्यू है और इसके आगे थंबनेल व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसका स्लाइड व्यू है। इसके बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे फाइल के मेन्यू में, तो यहाँ से न्यू, ओपन, सेव, सेव एज की कमांड्स हैं जहाँ से हम एक न्यू प्रेजेंटेशन फाइल ले सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन फाइल जो पहले से बनी है उसको ओपन कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको सेव एज कर सकते हैं किसी और नाम से, उसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, बैक करके दोबारा नॉर्मल व्यू में आ जाए। हमारा जो स्लाइड व्यू है इसके अंदर ये जो हमारा नॉर्मल व्यू है इसको हम कहते हैं यहाँ से नॉर्मल व्यू, यहाँ से नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते हैं। नॉर्मल व्यू में आप यहाँ पे जितनी भी स्लाइड को डिजाइनिंग का काम है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारी स्लाइड्स को एक साथ देखना चाहते हैं तो स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारी स्लाइड्स जो हैं इस तरह से नजर आ जाएंगी। फिर आप क्लिक करेंगे स्लाइड शो के ऊपर, तो ये वो शो है जिसमें हम प्रेजेंटेशन बना के ऑडियंस के सामने फुल स्क्रीन के ऊपर जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन का साइज हो और ऑटोमेटिक, ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये ऑटोमेटिक पर सेट हुई हुई है। देखो सहारा थोड़ी नाचती कमाल का गरदा, देखो सहारा थोड़ी नाचती कमाल चल रहा है। तो एक तरीका ये है इसको ऑटोमेटिक प्ले करने का जो आपके सामने हो रहा है। दूसरा तरीका है मैनुअल। मैनुअल में ये होता है कि मुझे स्लाइड्स को खुद से मूव करना होगा। याद रखें, इस स्लाइड शो से बाहर आने के लिए मैंने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाया है और वैसे आप इसको राइट बटन दबा के एंड शो करके भी बाहर आ सकते हैं और यहाँ से नॉर्मल व्यू पे आ जाएं, दोबारा से डिजाइनिंग व्यू को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड का नॉर्मल व्यू, इसको आप जितना चाहें यहाँ से जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं
और इसके अलावा आप यहाँ से स्लाइड पे क्लिक करते जाएंगे, स्लाइड का थंबनेल व्यू है, कंट्रोल का बटन दबा के होल्ड करेंगे, जूम आउट करेंगे, ये छोटा भी हो जाता है, ऐसे जूम इन करेंगे बड़ा भी हो जाएगा, जितना बड़ा छोटा करना है अपने हिसाब से रख लें, इसको भी अपना जूम इन और जूम आउट अपने हिसाब से रख लें, और यहाँ पे क्लिक करके ये आपको ऐसे नजर आने वाला है। व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नोट सेशन एक्टिवेटेड है, यहाँ से क्लिक हटाएंगे ऑफ हो जाएगा, क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा, ऑफ ऑन ऑफ ऑन यहाँ से कर सकते हैं। ग्रे स्केल व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ग्रे स्केल व्यू नजर आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट व्यू करेंगे तो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट व्यू नजर आएगा। तो इस तरीके से आप इसका ब्लैक एंड व्हाइट व्यू और ग्रे स्केल व्यू भी देख सकते हैं, और दोबारा बैक टू कलर करके दोबारा से इसका कलरफुल व्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका नॉट्स पेज एरिया है जिसको हम यहाँ से आई थिंक सो व्यू में जाके और यहाँ पर से नॉट्स पेज एरिया को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी स्लाइड का व्यू नजर आ रहा है, और यहाँ पे इसके हवा अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो यहाँ पे मजीद भी हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक स्लाइड पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन को हैंडल कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और पावर पॉइंट को लोड करते हैं। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे क्लिक किया पावर पॉइंट पर, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे सामने लोड हो गया। तो ये एक नई फाइल लेके लोड होगा और हमने कहा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम स्क्रेच से सीख रहे हैं, हालांकि बने बनाए काफी सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी जल्दी से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। तो देखिए, जितनी भी आपको स्लाइड्स चाहिए एक प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट लेआउट्स की स्लाइड्स मिलेंगी। सारी स्लाइड्स इक्वल हैं, पर लेआउट की वजह से उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। किस तरह से वेरिएशन आ जाता है? वेरिएशन ये है कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने आपकी आसानी के लिए ये कर रखा है कि देखो, जब भी तुम्हें किसी चीज़ का टाइटल लिखना है ना तो ये वाली स्लाइड यूज़ कर लो, जब भी टाइटल के साथ कॉन्टेंट लिखना है तो ये यूज़ कर लो, जब भी सेक्शन हेडर यूज़ करना है तो ये यूज़ कर लो, दो कॉन्टेंट्स को अलग अलग बताना है तो ये लिख लो, दो कॉन्टेंट के कंपेरिजन लेना है तो ये वाली लेआउट ले लो, अगर खाली टाइटल बयान करना है तो ये ले लो, अगर कोई फोटो लगा के उसके हवाले से कोई कैप्शन लिखना है तो ये और ये दोनों लेआउट्स में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लैंक का मतलब है कि फिर जब तुम खुद डिजाइन करना चाहो हर चीज को तो फिर अपने हिसाब से लेआउट खुद बना लो। तो इस तरह से कोई भी लेआउट एक बार लिया जा सकता है, कई बार लिया जा सकता है, और लेने के बाद उस लेआउट को यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है और इस तरह से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेआउट लेने के बाद आपने यहाँ से किसी भी लेआउट को चेंज करना हो, मैंने ये वाला लेआउट लिया लेकिन मुझे ये लेआउट नहीं समझ में आ रहा, तो विदाउट लूजिंग आवर डेटा हम इसका लेआउट को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, चेंज लेआउट पर जाकर। ठीक है, और डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी स्लाइड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, मैंने यहाँ 3-4 स्लाइड ऐड करा दी और इस स्लाइड को दूसरे नंबर पे लेकर आना है, तो इसको पकड़ूंगा और इसे पकड़ के ले आऊंगा, और इसको पहले नंबर पे ले जाना है, इसे पकड़ के इसको पहले नंबर पे ले आऊंगा। ठीक है, और डिलीट करना है तो क्लिक करके डिलीट का बटन दबा के भी डिलीट कर सकता हूँ। इस तरह से मैं ये सारे काम इजिली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे परफॉर्म कर सकता हूँ। सो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो भी फाइल सेव हो जाएगी, फाइल में जाके यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे तो भी फाइल सेव हो जाएगी, वॉट एवर कहीं भी क्लिक करें और ब्राउज करेंगे यहाँ से तो आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो यहाँ पर जाके आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जाके पावर पॉइंट फाइल्स के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं ब्लॉसम के नाम से, और इसमें जाके हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके क्लास 01 और यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2019। ठीक है, ये हमारी फाइल हमारी सेव हो गई। इस फाइल की टाइप जो है PPT है, PowerPoint प्रेजेंटेशन फाइल, PPT इन शॉर्ट कहते हैं, और PPT XP इसका लेटेस्ट एक्सटेंशन है। चलें अब हम शुरू करते हैं एक प्रेजेंटेशन कोई भी बताते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाने की बात करते हैं तो वो किस तरह से शुरू की जाती है। मैं ऐसा करता हूं,